बहुत बड़ा हो चुका है सीएफपा हमारे साथ कि हमारा लगेज नहीं आया है। पूरे वर्ल्ड में जो 1000 मड वॉल्केनोज है उसमें से 350 मड वॉल्केनोज आ रही है और इन अज़रबैजान। आप देख पा रहे हो ये बिल्डिंग, इसमें पूरा कर्व है, नो पिलर नो सपोर्ट जिससे बनी है ये बिल्डिंग। होटल भी अंडर वाटर है, तो उसके जो विलाज है रहने के लिए वो भी अंडर वाटर है। चाहे बारिश हो चाहे ठंडा हो गर्मी हो, कभी भी आग बुझती नहीं है। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ आर्या और आज मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। आप सोचो कि दिल्ली में कहाँ से आगे, नॉर्मली मैं जब फ्लाई करती हूँ तो या तो मुंबई होता है या तो दुबई होता है, बट आज मुझे दिल्ली आना पड़ा। स्ट्रॉन्ग रीज़न है, इंडिगो की फ्लाइट ले रही हूँ, एक नई कंट्री में जा रही हूँ। कंट्री का नाम है अज़रबैजान, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत कम लोगों ने। बाकू का नाम सुना होगा जो है कैपिटल। तो इस एपिसोड में आप देखने वाले हो ये सुंदर कंट्री, जितनी भी फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज है उनमें से ये एक कंट्री है जहाँ पर मैं जा रही हूँ, वो भी इंडिगो से। कैसे, क्या प्रोसेस है, क्यों दिल्ली से, क्या खर्चा, क्या वीजा, कितना एक्सपेंसिस, क्या क्या है कंट्री में, सब चीजें देखोगे आज के एपिसोड में। स्टे ट्यून, लेट मी कैच यू टू द फ्लाइट। अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ, वो है गेट इंडिगो एयरलाइंस। तो न्यूज़ ये है कि पहले इंडिगो की फ़्लाइट्स नहीं होती थी दिल्ली से बाकू डायरेक्टली। अज़रबैजान कंट्री का कैपिटल है बाकू, सो डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो चुकी है इंडिगो की और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है, रश भी है और काफ़ी लोग ऐसा दिख रहा है कि मुझे बाकू जा रहा है। और बाकू की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं चेक इन कर रही हूँ, ऑलमोस्ट मेरा गेट ओपन हो चुका है। हाय देवांशी, सो वो भी बहुत एक्साइटेड है आज की फ़्लाइट के लिए, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो शी इज़ फ्लाइंग टू बाकू। देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। भाई साहब क्या फ्लाइट रहा है, यानी इतना रंगीन फ्लाइट तो मैंने देखा ही नहीं। रंगीन कंट्री के लिए रंगीन फ्लाइट था, बहुत बढ़िया जर्नी रही। वैसे पता ही नहीं चला कैसे 4.5 घंटे गुजर गए, इतने धमाल चल रही थी फ्लाइट में। ये तो मैडम सो गए थे काफ़ी टाइम तक, है ना। I had a very nice sleep. Actually, you slept for an hour. यानी एकदम sound sleep. तो बस अभी हम जा रहे हैं immigration की तरफ. So the Baku visa process, you may apply e-visa, which will take 3 working days. Very easy process. $75 का खर्चा होता है. That's it. And rejection का कोई chance नहीं है, क्योंकि इस country को सबको बुलाना है. Tourism काफ़ी लोग अभी आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उन लोगों को अलग अलग world के अलग अलग country से लोगों को वो invite भी कर रहा है. So yeah, that's good. And now see, अभी immigration यहाँ पर लैंड होके कंट्री में क्या होता है। देखो इतना इजी इमिग्रेशन हुआ है कि मैं बता नहीं सकती, वेरी स्मूथ, प्यार से, स्माइल से। तो क्या होता है जब फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज होती है, जो छोटी कंट्रीज होती है जहाँ पर हम जाते हैं, क्योंकि टूरिज्म जो होता है आपको वेलकम करता है, तो वहाँ पर ज़्यादा मगजमारी नहीं करता है। सो ये सारी कंट्री से ज़रूर आप अपनी ट्रैवल स्टार्ट कर सकते हो, एंड स्पेशली अज़रबैजान जो आजकल काफ़ी फेमस है, न्यूज़ में है। क्या लुक है ये सामने जो दिखाई दे रहा है इतने लाइट्स के साथ, दैट्स अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ बाकू। वाओ भाई बहुत बढ़िया एयरपोर्ट है, बता रही हूँ मैं। नहीं उत्तर से इतनी बढ़िया वाइब है, मज़ा आ रहा है। आई मीन लोग जो है बहुत प्यारे हैं, वेलकम को काफ़ी अच्छे से किया है हम लोगों का। मेरे बैग ले लेके खड़े हैं बेचारा, सो अभी हमें लेके जा रहा है होटल पे। लेट्स मूव। सो फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं अभी होटल में, बज चुके रात के यहाँ के तो अभी 1, तो अभी इंडिया का टाइम काउंट नहीं करना है। एंड या ऑलमोस्ट श्योर, तो बहुत अंधेरा लग रहा है क्योंकि एकदम रात हो चुकी है, रात के 1 बज चुके, मैं बहुत थकी हुई हूँ। सो मैं अभी सोने वाली हूँ और आपको सुबह यहाँ के द मोस्ट हैपनिंग स्ट्रीट पर लेके जाने वाली हूँ वेरी सून। होटल का ब्रेकफास्ट एरिया जहाँ पर मैं भी आई हूँ। तो कल इतनी ज़्यादा भागदौड़ हो गई थी और मैंने आपसे कुछ भी शेयर नहीं किया था। बहुत बड़ा हो चुका है सीएफपा हमारे साथ कि हमारा लगेज नहीं आया है। तो वीक में 4 फ्लाइट से इंडिगो की जो दिल्ली से स्टार्ट होती है, बाकू डायरेक्ट फ्लाइट है, बट हम लोग का लगेज बोर्ड नहीं हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो हमारा लगेज जो है, जो मेन बड़ा लगेज होता है 25 किलो का, वो हम दोनों का नहीं आया है। तो हमारे दोनों के पास कोई भी डेली एसेंशियल्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए, कपड़े भी नहीं है। कल तो ऐसा हाल था कि मैं कुछ बोल
बोलने के लायक नहीं थी तो मैंने ऐसे ही चीज़ें ख़त्म कर दी, बट ये हुआ है हमारे साथ। अब पता नहीं हम कैसे दो दिन बिताएंगे यहाँ पर, बट वी हैव टू शॉप। तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करके हम नज़दीक के मार्केट में जाते हैं और जहाँ पर से हम एटलीस्ट डेली एसेंशियल्स एंड हमारे कपड़े दो दिन के हम खरीद लेते हैं। बट आई एम लिटली एक्साइटेड टू गो टू द स्ट्रीट मार्केट टू शॉप थिंग्स, क्योंकि मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होएगा और मैं आपको भी दिखाऊंगी। लेट्स फिनिश आवर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। बस तो ये है निज़ामी स्ट्रीट जहाँ पर मैं आई हूँ, और ये काफ़ी फेमस स्ट्रीट है बाकू में, लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के। सो यू विल हैव लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स, कैफेज़, शॉपिंग एरिया एंड ऑल। तो वही मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ, थोड़ा सा यूरोपियन वाइब, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा यूरोपियन वाइब है। एंड द बेस्ट पार्ट इज बाकू जो है फ्यूजन है, आई मीन हिस्ट्री, मॉडर्न स्टोरीज एंड ऑल। अजहर सेल मिल गया, तो ये है सिम कार्ड जो हमें लेना है। बाकू में अजहर सेल सबसे ज़्यादा अच्छा चल रहा है ऐसा मुझे लोकल्स ने बताया, सो दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू बाय अ सिम कार्ड फर्स्ट। अपने को फोन एक्टिवेट करना है। कैन यू शो मी द प्लान? आई एम हियर फॉर 10 डेज एंड ओके, सो 30 GB ले रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 दिन हूँ तो ईच डे 3 GB इज़ ओके। मैं नॉर्मली काफ़ी सारे ऐप्स बंद कर लेती हूँ, आई मीन ताकि आपका ज़्यादा डेटा यूज़ ना हो, अदरवाइज तो दिन के 10-10 GB यूज़ हो जाते हैं जब हम इंडिया में होते हैं। 2000 रुपये में, इंडियन रुपीज़ में, मेरे को 30 GB मिल रहा है, सो दिट्स नॉट बैड। 60 GB भी है जो और महंगा है, आई मीन 3000 रुपीज़ का, बट आई थिंक 10 दिन के लिए 10 GB इज़ इनफ, राइट? हाँ, इतना अच्छा फील है, ये एकदम यूरोपियन स्ट्रीट लग रहा है, निज़ामी स्ट्रीट। सो द क्लासिकल पोएट निज़ामी गांजारी, जिनके ऊपर से ये स्ट्रीट का नाम रखा गया है, आई मीन दिस इज़ अ सेंटर ऑफ बाकू कैपिटल, आई मीन अज़रबैजान का। सो अज़रबैजान द कंट्री काफ़ी अंडररेटेड कंट्री है, काफ़ी लोगों को मैंने ये देखा कि जब मैं इंडिया से आ रही थी लोगों को बोला कि मैं अज़रबैजान जा रही हूँ, तो बहुत लोगों को इसका नाम ही नहीं पता था ये कौन सी कंट्री, सबकी बात छोड़ मेरी फैमिली को नहीं पता था। सो इसलिए मैंने सोचा इस कंट्री को हम एक्सप्लोर करते हैं, नॉट ओनली बाकू द कैपिटल, बट देर आर सो मेनी मोर प्लेसेज, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियन, बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे। फैशन अज़रबैजान का, ये बड़ा अच्छा होता है, मुझे तो जब शॉपिंग करने आती हूँ तो ऐसा समझ में आता है कि भाई हर एक कंट्री की नई फैशन, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। सो या जस्ट एक्सप्लोरिंग वन बाय वन अलग अलग स्टोर्स एंड ट्राइंग टू बाय। ये शॉपिंग इज़ अनदर लेवल का हेडेक फॉर मी ऑलवेज, बट आई एम डन विथ एंड फाइनली वी आर इन ऊबर। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है लोकल ट्रांसपोर्ट, उसमें मैं सजेस्ट करूँगी ऊबर। आपका कार्ड रजिस्टर कर लो, कैश भी वो लोग लेते हैं, बट पता नहीं फिलहाल मेरे ऐप में नहीं हो रहा है। सो यू कैन रजिस्टर योर कार्ड एंड ऊबर काफ़ी सस्ते भी है, 2 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो, नज़दीक में जाना है 2-3 किलोमीटर में तो आराम से घूम सकते हो। एंड द सिम कार्ड इज आई सेड अजर सेल, तो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है एंड द स्ट्रीट वॉज ब्यूटिफुल। सो नाउ आई एम गोना गो होम, आई मीन द होटल, और फिर हम करेंगे थोड़ा प्रिपरेशन टू गो आउट, तैयार होएंगे, उसके बाद थोड़ा इवनिंग, लेटर इवनिंग, नाइट थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आई एम गोना शो यू सम क्रेजी थिंग्स इन अज़रबैजान बाकू। एंड फाइनली आउट रोड्स ऑन बाकू, हमारे साथ कुछ लोकल गाइड है जो हमें एक जगह लेके आया है जो मेरी फेवरेट है, विच इज़ कॉफ़ी शॉप। मुझे यहाँ की कॉफ़ी ट्राई करनी थी बाकू की, तो मैंने उनको बोला कि प्लीज़ हमें ऐसी कोई जगह लेके जाओ। तो यहाँ पर एक है बहुत प्यारी सी कॉफ़ी ओ, इट्स अ कॉफ़ी गो, नाइस प्लेस ऑन द रोड KFC के बाजू में, कॉफ़ी गो, लेट्स हैव कैपेचिनो। ज़िंदगी में मेरा ये ड्रीम है अपनी कॉफ़ी की ब्रांड लॉन्च करना। एज यू गाइज नो, लाइक कितने मेरे ब्लॉग्स देखते हो कि मैं कितना कॉफ़ी लवर हूँ, और आई जस्ट स्मेल कॉफ़ी, गेट फ्रेश, ऐसा सीन है मेरा। तो यहाँ बन रही मेरे लिए कैपेचिनो। This iconic building in Baku, Haider Ali Bey Center.
सो आप देख पा रहे हो ये बिल्डिंग, इसमें पूरा कर्व है, नो पिलर नो सपोर्ट जिससे बनी है ये बिल्डिंग। सो आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ द सिटी ऑफ द कंट्री, काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इस जगह को। तो स्पेशली ये एक सेंटर है जहाँ पर गैदरिंग होती है, कॉन्फ्रेंस परफॉर्मेंसेस, काफ़ी कॉन्सर्ट होते हैं, इवेंट्स होता है। और अंदर से अगर देखोगे तो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो राइट नाउ आउटसाइड इसे आई लव बाकू, ज़ाहा हदीद जो डिज़ाइनर जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, इराक की लेडी है, बट शी लिव्स हियर इन बाकू। और एक भी कॉर्नर नहीं है पता है इस बिल्डिंग में। क्लासिक कार एग्जीबिशन है यहाँ पर, क्लासिक यानी वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लासिक कार्स। आई एम सो मच एक्साइटेड टू सी दैट। सो 10 मनत यहाँ का जो करेंसी है, दैट्स अ मनत। देख लीजिए सी कार लवर्स, क्या जगह है यार। और हर एक कार कैरेज, हर एक कार के नीचे उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा है सारी डिटेल्स। 1910 का मॉडल है ये, रेड। वाओ अमेजिंग, वाओ सी दैट ग्रीन कार, कैसा लग रहा है देखो, देख के। आई नो बट दे सेड स्ट्रिक्टली डोंट टच, तो हम टच नहीं कर सकते इसको, जस्ट दूर से देख देख के थोड़ा खुश हो रहा है यार। टेस्ट ड्राइव, टेस्ट ड्राइव, ओ माय गॉड सी दिस कार यार, ग्रीन कार एंड ऑल, बहुत अच्छे अच्छे कार्स हैं यहाँ पे यार। ओ सी दैट व्हाइट कार, दैट व्हाइट, अरे यार ऐसी गाड़ी तो मैंने कभी पिक्चर्स में भी नहीं देखी है। आई सी दिस व्हाइट कार यार, ओह क्या डिजाइन है, 1938 की है ये गाड़ी, फोर्ड V8 मोनोपोस्टो। अरे मेरी तो नज़र रेड पे ही अटक जाती है समहाउ, मेरी शेर नहीं याद आ जाती मुझे। क्या डिज़ाइन है टू टायर्स का, अमेजिंग। 1933 एंड सी रियल कार्स, यू कैन सी पिक्चर, ओ माय गॉड दैट्स फैबुलस, आई मीन व्हाट अ कलेक्शन। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह लगी विजिट करने के लिए बाकू में। आई स्वेयर अगर ये म्यूज़ियम में आते हो तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे -3 में, जिसका सिर्फ 10 मन्नत है, 500 रुपया अपना, और आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो। ये है एक्चुअल वाइब ऑफ दिस प्लेस, निज़ामी स्ट्रीट विच इज़ इन ओल्ड टाउन, जो आपने पहले भी देखी। बट द थिंग इज ये थोड़ा उसका बैक साइड है, तो यहाँ तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, राइट। सो दिस इज़ अ वाइब, आई मीन दिस प्लेस इज स्पेशली अबाउट ऑल कैफेज, रेस्टोरेंट्स, पार्टी क्लब्स एंड ऑल, लेस शॉपिंग। सो दैट एरिया जहाँ पर हम थे वो ज़्यादा कॉफ़ी शॉप था, और यहाँ पर तो एकदम मुझे यूरोप की वाइब आ रही है। फाइनली ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और ये जो जगह है वो है बाकू बुलेवर्ड। सो लोग यहाँ पर शाम को वॉक करने आते हैं। सामने मुझे समुंदर दिख रहा है फाइनली, और मैं काफ़ी यहाँ पर ई स्कूटर भी देख रही हूँ, यू कैन रेंट अ स्कूटर ऑल्सो मे बी। गुड वाइब, विंडी, गुड वेदर, आसपास छोटे मोटे शॉप्स भी है। अज़रबैजान जो कंट्री है वो कैस्पियन सी के किनारे पे बसी हुई एक कंट्री है। सो ये जो समुंदर है वो यहाँ पर आपको ऐसे ब्लू वाटर नहीं दिखेगा लाइक मालदीव्स एंड ऑल, बढ़िया ये सी सॉर है, तो यहाँ से आपको सामने ही समुंदर दिखता है। वेरी हैपनिंग वाइब, अमेजिंग। तो यहाँ पर सामने है डेनिस मॉल, वो बहुत फेमस है, पूरा लोटस जैसा शेप है। एंड क्रिजन बे द होटल, द बिगेस्ट ह्यूज फेमस होटल, जहाँ पे विला भी अंडर वाटर है, आई मीन होटल भी अंडर वाटर है, तो उसके जो विलाज है रहने के लिए वो भी अंडर वाटर है। पता नहीं आपको यहाँ से दिख रहे कि नहीं, वो जो आपको सी शेप जो दिख रहा है वो। तो मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी यार, शाम को यहाँ पर आके जस्ट वॉक कर रहे हैं। ऑल ओवर द कंट्री इज सुपर्ब, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा कॉम्बिनेशन है, यू नो, स्पेशली ये जो एरिया है बुलेवर्ड, बाकू बुलेवर्ड, प्रेटी गुड, इवनिंग इज़ नाइस। यहाँ पर है लिटिल वेनिस, वेनिस तो आपको पता है जो लेक में बोट्स चलती है, तो वो वाला फील है जहाँ पर अभी जा रहे हैं। दिस इज मिनी वेनिस, तो अभी रात हो चुकी है, बट लुक्स प्रीटी गुड। आई मीन लोग यहाँ पर बोटिंग करते हैं, यू फील दैट इट्स मिनी वेनिस, क्योंकि पूरा वेनिस जैसा लुक भी है, ब्लू वाटर है। बट हम यहाँ पर दिन पे आएंगे। ये जो बना रहा है वो है यहाँ की स्पेशल डिश,
कुताब। सो कुताब है वो मीट से बनता है, उसके अंदर स्पिनच, वेजिटेरियन ज़ातर, ब्रेड एंड लुक्स टेस्टी। सो मैंने सोचा चलो एक ट्राई कर ही लेता है क्योंकि लोकल यहाँ का कुजीना है, लोकल फूड है, काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड यू कैन से। हाउ इज इट बाय द वे? वेरी नाइस। कुताब इज वेजिटेरियन डिश, स्ट्रीट डिश, जो भी हम खा रहे हैं यहाँ पे, और काफी टेस्टी भी लग रहा है ऐसा। आई मीन not bad, right? It is very nice, like it has a different taste and the spinach is not even bitter. The zaatar taste is so good. Zaatar masala jo hota hai na, is very tasty. It's from tourism board and wo hame idhar udhar ghuma raha hai. And yeah, where are you? This boulevard. Hello, hello. यनारदाग बाकू से करीबन 30 मिनट्स की दूरी पे है। यनारदाग फायर माउंटेन साउंड सो गुड ना। सो दिस इज अ प्लेस जहाँ पर लोग काफी आता है। आई एम सो मच एक्साइटेड, मैंने पिक्चर्स देखे उसके, काफी धूप भी है। सो नाउ यू कैन सी माय प्रॉपर फेस हैविंग रेड बुल बिकॉज इट्स टू हॉट आउटसाइड। सो अभी ये जगह पर हूँ, गाड़ी पार्क करिए वहाँ आगे, एंड यहाँ से हमें टिकट लेनी है यनारदाग माउंटेन एंड देर इज अ टेम्पल थोड़ा और आगे, आई मीन 15-20 मिनट्स। सो दैट्स अगेन वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, इट यूज टू बी अ हिंदू टेम्पल बिफोर, सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो दोनों कॉम्बो का आपको करीबन $10 का प्राइस है, और अगर एक का लो तो $7-8 है। सो आई एम गोना टेक बोथ का कॉम्बो, सो लेट्स गो। तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉम्बो टिकट विच इज 15 मानत फॉर टू प्लेसेस जो मैं आज विजिट करने वाली हूँ, एंड दिस वन इज फायर माउंटेन मॉल सेट। सो कहा जाता है सालों से, हजारों साल पहले यहाँ पर एक शेफर्ड से आग जल गई थी इस पहाड़ पे, और तब से नेचुरल जो गैस होता है ज़मीन के अंदर जिससे ये आग जले जा रही है, चाहे बारिश हो चाहे ठंडा हो गर्मी हो, कभी भी आग बुझती नहीं है, और टूरिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन हो चुका है। ये जो जगह देख रहे हैं वो है अतिशगढ़ टेम्पल, जिसको बोला जाता है फायर टेम्पल। बाकू के सुरखानी रीजन में बसा हुआ ये टेम्पल है, यानी कहा जाता है इयर्स बैक जब इंडिया से लोग अपना बिजनेस व्यापार करते थे, चाइना जाते थे, तो ये सिल्क रूट हुआ करता था, और अज़रबैजान में बीच में ये जगह बनी थी टेम्पल के रूप में, मंदिर के रूप में, जहाँ पर लोग रुकते थे। यानी ऐसे छोटे छोटे रूम हैं मेडिटेशन के जहाँ पर लोग रहते भी हैं, दे हैव टनल अंडरग्राउंड जहाँ पर लोग स्टोर करते अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि यहाँ पर वो लोग काफ़ी दिनों तक रहते थे एंड रेस्ट भी करते थे। सो ये काफ़ी हिस्टोरिकल साइट है ऑफ बाकू अज़रबैजान। सो दिस इज द सेम डोम टेम्पल जो हमने बाहर देखा है, और इस तरीके से लोग आते थे जब व्यापार करते थे, यहाँ पर रुकते थे। यहाँ पर ये जो बीच में फ्लेम है वो आज भी जल रही है बाहर, ये सामने जो टेम्पल के सामने है। ऑल्सो बट आई कैन सी द गणेश टेम्पल, एंड जैसा आपने मुझे बताया, ही सेड द पीपल फ्रॉम इंडिया हु यूज्ड टू डू दिस बिजनेस, वो लोग जो थे वो ज़ोरास्ट्रियन थे, तो वो लोग कभी भी गणेश को तो नहीं मानता है, बट इट मे बी पॉसिबल कि अमॉन्ग ऑल दोज पीपल दे आर सम ऑफ प्योर इंडियन हु आर हिंदूज, एंड उन्होंने अपने लिए ये टेम्पल अंदर का एक रूम बनाया हो। But I can see he is Zoroastrian, right? The way this getup. हाँ, तो उनका जो getup है वो तो, but पता नहीं यहाँ पर I can see Ganesh का temple, which is really surprising. तो कई बार history ऐसी होती है जो हमें पता नहीं चलती है, but it's really interesting. This place is so पीसफुल, और लिटरली ये जगह पर लोग मेडिटेशन करते थे, यहाँ पर शांति से रहते थे, अपना खाना बनाते थे। उसके बाद काफ़ी सालों पहले जगह डिस्ट्रॉय हो गई, अलग शासन आया, उसके बाद वापस बनी है, तो आज एक म्यूजियम टाइप बन चुका है। सो ओम गण गणपतये नमः, द स्टैचू विच वी सॉ द गॉड गणेश, दैट्स द नेम दे आर टेकिंग, गणपतये नमः। सो ये जो डोम है वो सबसे पहले बना था, वर्शिप प्लेस है ये। सो यहाँ अंदर हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से लोग लेट के बैठ के पीसफुल भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इसी तरीके से इंडियंस जब ये रूट से जाते थे यहाँ पर रहते थे, ये होता था। तो दिस यूज्ड टू बी अ टेंपल इयर्स अगो, और अभी फिलहाल ये म्यूजियम बन चुका है। तो ये रूम जो है प्रॉपर उनकी लाइफस्टाइल के लिए है। कैन यू सी दैट सम प्लेट ऑफ फ्रूट्स एंड टू गाइस आर सिटिंग चिलिंग टॉकिंग, यहाँ पर उनका सारा सेटअप भी दिखाई दे रहा होगा आपको।
हिंदुस्तान, तो ये एंशंट टाइम के रॉक्स है, यानी आपको पता है कैस्पियन सी, जो सी के ऊपर बसा हुआ कंट्री है, और ये सारे जो रॉक्स दिखाई दे रहे हैं मेरे आसपास, वो सारे समुंदर के अंदर हुआ करते थे, बट समय जाते जाते ये सारे रॉक्स ऊपर आ गए उस ज़माने, यानी 5,000 to 40,000 years before, जितने भी लोग थे वो लोग जो भी चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट अपने सामने देखते थे, दे यूज़ टू ड्रॉ ऑन रॉक्स. सो सारे रॉक्स पे कुछ ना कुछ डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेंगे. समझ लो कि उस टाइम पे ऐसे किताब नहीं लिखी जाती थी, या कोई मेमोरीज नहीं होती थी, ना पिक्चर ना कैमरा, तो वो अगर कोई एनिमल देखते थे, कुछ भी, एनी थिंग फ्रंट ऑफ देम, जो भी चीज़ आती थी उसको वो रॉक्स पे डिज़ाइन करते थे. इन दैट वे दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस अमॉन्ग टूरिस्ट. और यहाँ से जो व्यू है, यानी यू कैन सी एंटायर सी, कैस्पियन सी, और सामने है वो बाकू सिटी. तो सिटी से करीबन 30 किलोमीटर्स की दूरी पे इस जगह है, और यहाँ पर भी मैं खड़ी हूँ टॉप ऑफ द रॉक. और अभी फ़िलहाल मैं हूँ ओल्ड टाउन. सो कभी भी बाकू में हो, ये जगह तो मिस ज़रूर मत करना. ऐसे है ना, जो क्लासिक टैक्सी, ये भी दिख जाएगी, देखो ज़रा, यहाँ पर ऐसे टैक्सी होता है. तो दिस इज़ ओल्ड टाउन, जिनकी गलियों में मैं घूम रही हूँ और दिखा रही हूँ आपको. हिस्ट्री काफ़ी है, डीप है, बट दिस इज़ ओल्ड टाउन. अबाउट नॉट ओनली रेजिडेंशल्स एंड दे हैव कमर्शियल्स ऑल्सो. और समझ लो कि पहले ये धूम हुआ करता था बाकू का, ये एरिया अभी ओल्ड टाउन हो गया है, जैसे हर एक सिटी में ओल्ड टाउन होता है. बट आई लव दिस वाइब, काफ़ी पुराना एक स्ट्रक्चर आप देख पाओगे यहाँ पे. तो अगर आपको पसंद है ये सब देखना, देन डेफिनेटली यू कैन कम ओवर हियर फॉर कपल ऑफ आवर्स. इन द मेन स्ट्रीट इज़ वेरी हैपनिंग ओल्ड टाउन की, जहाँ पर काफ़ी कैफेज भी हैं. ओह, इट लुक्स गुड. सी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, वॉल का स्ट्रक्चर एंड ऑल, कितना क्लासी है. एंड आई लाइक दिस ऑरेंज ग्रीन ओल्ड टाउन वाइब. बाय गॉड, 15th सेंचुरी से ये सारा एज इट इज़ इन्होंने रखा है, अभी तक कुछ उस पर चेंज नहीं किया. सम लोकल आर्ट कल्चर. या जस्ट वी वर वॉकिंग ओल्ड टाउन में, और हम यहाँ से जा रहे हैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह एंड द लास्ट डेस्टिनेशन नॉट लीस्ट. तो वहाँ से हमारी गाड़ी से हम आ चुके हैं यहाँ पर लोकल गाइड के साथ. हेलो देवांशी, पीछे सलाम. और मैं हूँ यहाँ पे. तो अब हम जा रहे हैं एक सुपर क्रेजी एडवेंचर करने के लिए, विच इज मड वॉल्केनो. सो यहाँ पे ये जो मड वॉल्केनो है, पूरी दुनिया में फेमस है, विच इज एक्टिव वॉल्केनो में से एक है. सो विल गो एंड आई विल शो यू सम मैजिक. दोनों लोग एकदम सेम बिकनी में आ चुके हैं, बिकॉज वी हैव टू गेट इनसाइड द वॉल्केनो. पूरे वर्ल्ड में जो 1000 मड वॉल्केनोज है, उसमें से 350 मड वॉल्केनोज आ रही है और इन अज़रबैजान, और इसलिए हमने सोचा एक दो तो कर ही लेते हैं. तो योर इज द बिगेस्ट वन, पीछे है एक छोटा, और यहाँ पर वॉल्केनो के अंदर जो मड होती है उससे लोग अपने शरीर पे लगाते हैं. एंड दे सेड इट्स ओके, यू कैन डू दैट, मड शावर, मड स्विम, जो भी बोलो. सो दैट इज़ माई प्लान. बाकी काफ़ी सारी हिस्ट्री विच आई टेल यू लेटर ऑन, बट लेट्स गेट इन साइड नाउ बिकॉज इट्स टू हॉट. और मिट्टी ठंडी होती है, सो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट कॉम्बिनेशन, राइट? शी इज सेइंग दैट, उसने कहीं पढ़ा है कि 21-22 डिग्री है, बट बाहर बाय द वे 30 डिग्री है, तो उससे तो हमारा कम ही है. ओके मैडम, ओके, सो लेट्स गेट इन साइड. सो इट्स लाइक दिस, ये हमारे गाइड है. बूम, नाउ आई कैन गो इन. शी इज गोइंग इन साइड. ओके, go, be careful. Oh, bhai, it's deep, eh? No, no, ma'am, no. No problem. Deep? No deep, no problem. Okay, how are you feeling? So now she is feeling good. Initially, she was so scared. Yes. And this is Mud Volcano where we are right now. अभी मैं अंदर जा रही हूँ, तो मेरे लिए एक again task है. देखा ना आपने. उसके बाद हम लोग ये लेक में, मिट्टी वाले लेक में शावर लेके एटलीस्ट मड को निकाला है हमारे शरीर से, वो क्रेजी फन. तो यहाँ पर तो काफ़ी लोग आते हैं. पहले हमें सुन के, जब सुना था इसके बारे में, बहुत डर लग रहा था कि भाई गॉड कैसे हम लोग ऐसे वॉल्केनो में आएंगे, बट बहुत मज़ा आ गया, क्रेजी एडवेंचर है. तो आज का एपिसोड पसंद आया, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं बहुत जल्दी अज़रबैजान के एक नए ब्यूटीफुल टाउन में. देखना मत भूलना नेक्स्ट एपिसोड में. अभी मैं भाग रही हूँ ये क्लासिक कार में, धम 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 टूवर्ड्स द सिटी. सी यू सून, बाय बाय. We'll be right back.